अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं तो खैर और आफियत से हूँ। तो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, वॉइस ऑफ नेशन चैनल था उनका, तो वो लोग आज मैंने एडिट किया है। और नेट भी ज़रा हमारा प्रॉब्लम कर रहा था, नेट भी ज़रा हमारा बहुत ख़राब चल रहा था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आप लोग देखें मेरी वीडियो जो बिहाइंड द सीन है, जो हो रहा था वहाँ पर, वो वीडियो देखें आप लोग। मैं आगे जाके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैनल वाले आ गए हैं। वॉन चैनल का नाम था। अभी अपना कैमरा वगैरह सेट कर रहे हैं, जैसा कि हर कोई जो भी आ रहा है वो करता है। तो आप देख ही सकते हैं कि कैमरा वगैरह सेट हो रहा है, ताकि इरज का जो है वो इंटरव्यू लिया जाए। होस्ट जो थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत नाइस थी, उनका नाम उरूज था, जिन्होंने इरज का जो है इंटरव्यू लिया है। माना कि आजकल कोई लड़की लड़के से कम नहीं है, और हर लड़की को लड़का होने का शौक ही पैदा हो जाता है, बट दे आर को दाढ़ी की है, तो अगर हम उनको कमजोर तो नहीं कहेंगे, वो टोटली बॉय है और उनका प्लान है वो बिल्कुल अपने उसी लेटर में और बॉय बच्चों में गुजारे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो मतलब मूछ दाढ़ी के साथ, मतलब क्या सोच के उन्होंने मूछ दाढ़ी रख ली, और ये सारी बातें मैं कुछ चौंकूंगी, मैं उनसे पूछूं। मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिवेलप होता जा रहा है कि मैं पूछूं उनसे उनके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं इरज बाबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरज? लड़का लगता है, लड़की नहीं है, तो उनको बताएं कि हम लड़की हैं। जी, मैं बहुत सारे बता चुकी कि मैं फीमेल हूँ। ये फीमेल ही है। अच्छा, ये कैसे? अच्छा, ठीक है, होता है, लड़कियों को शौक हो जाता है, बट ये है कि ड्रेसिंग चेंज कर ली आपने, चलो हेयर कट भी समझ में आता है, बट ये मूछ का ही ये बहुत सारे वीडियोस में भी बता चुके हैं, हॉर्मोन्स मुझे पहले से जाते हैं, सारी लड़कियों का करते हैं, चंद लड़कियाँ होती हैं तो उनको हॉर्मोन्स से रिलेटेड बैलेंस हो गया था, तो ऐसे ही नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये अभी रज की शॉट वगैरह ले रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। कमरे वाला भी हल्का चलता है, वो भी हल्का ही तो चलता है। अच्छा, हाँ, वो भी तेज़ चलता है। ये चीज, ये ग्लासेस उठ दिखा। हाँ, अभी ना, अभी नहीं खोल, अभी नहीं, ये बताना फिर कहना ये मेरी स्टोरी स्टार्ट हुआ है। एक मिनट दो, आपसे देखता हूँ जी, क्रॉस में हूँ। बट थोड़ा सा पीछे होंगे आपका, फिर बाद में आगे आ जाइए। अभी आपको आप बोलो जो इधर हो, मैं इनको मिरर में से लूंगा, ठीक है? अच्छा आ जाएगा, चलेगा। और
जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नीरज के ड्रेसिंग टेबल के पास, और आपको क्या लगा कि यहाँ पर लड़कियों वाली चीज़ें होंगी? नहीं भाई, नीरज के ड्रेसिंग टेबल पर भी लड़कों वाली चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं नीरज से पूछूंगी कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करती हैं, और मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो नीरज, ये बताएं कि क्या क्या आपके ड्रेसिंग टेबल पर इस टाइम मौजूद है, क्या क्या यूज कर रही हैं आप? आई थिंक बस ये बॉडी स्प्रे वगैरह, दो चार बर्तन ऐसे सिंक में फेंक दो तो पता चलेगा तो आर्टिफिशियल। हाँ, धोते हुए धोना है बाकायदा, ठीक है? मैं क्योंकि बहुत करीब ऐसे आपके हाथ में घुस जाऊंगा मैं, ये सब चीजें। एक बजा चले रोज जी नाजरीन, तो नीरज हो गई हैं अब अपने कामों में मशगूल, तो अब हम इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो नीरज, मेरे ख्याल में घर में कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, वीडियो के लिए जो है प्रिपेयरिंग वगैरह कर रही हैं, तो चलिए आप कंटिन्यू रखें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे प्रोग्राम का अब इख्तिताम होता है। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और आज हमने आपको जिस लड़की नुमा लड़के से मिलवाया है इसके बारे में भी कमेंट देना मत भूलिएगा, ये गोलू बलू का लड़का। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हानियों आने वाले से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज का जो शो है वो आपको कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। की वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगी, तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। बाकी अपनी मैं डेली रूटीन की वीडियोस लेकर आती रहूँगी, इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।